आज के वीडियो में मैं आपको गूगल के 5 ऐसे फनी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो बिल्कुल आपको चौंकाने वाला है। सो मेरा नाम है कन्हैया और आप देख रहे हैं टेक्निकल फुटेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेते हैं और गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं आस्क यू। तो चलिए हम इसे सर्च कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ASKEW। तो देखिए यहाँ पे ASCII आ गया है। ASCII को हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं और सर्च करते ही देखिए दोस्तों ये आपको कुछ डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। ये गूगल जो है एक साइड से ये झुका हुआ दिख रहा है। इस पेज को देखिए, ये पेज यहाँ से कुछ साइड में खाली है, लेकिन ऐसा क्यों है ये मुझे भी नहीं पता है। शायद अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। जब भी हम ASCII को जैसे हम सर्च करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस साइड से इस तरफ के लिए झुका हुआ है, और जैसे हम ऊपर की तरफ करेंगे तो देखिए ये धीरे धीरे सही है, फिर ये नीचे की तरफ देखिए, आप देखिए यहाँ पर इस साइड झुका हुआ है। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कटा हुआ है, इस साइड यहाँ पर झुका हुआ है, और जब ऊपर जाएँगे तो यहाँ पर इस साइड की तरफ झुका हुआ है। अगर आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम आपको गूगल का दूसरा फनी ट्रिक्स बताते हैं। इसके लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे डू अ बैरल रोल। तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है डू अ बैरल रोल। देखिए सबसे ऊपर में आ गया है और मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही आप डू अ बैरल रोल को सर्च करेंगे ये गूगल एक बार चारों तरफ घूम करके आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये 10 बार घूमे तो आप यहाँ पे 10 लिख देंगे डू अ बैरल रोल और 10 कर देंगे तो ये 10 बार घूम के आएगा। तो चलिए हम इसे 10 पे, ये 10 लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए ये ऊपर वाला जो साइट है मैं इसे ओपन करता हूँ। तो आपने देख लिया ये कैसे ये 10 बार घूम गया। इस तरह से आप अगर 100 लिखेंगे तो ये 100 बार घूम जाएगा। तो ये इसके बारे में भी मुझे नहीं पता है, शायद अगर आप जानते हैं तो आप भी कमेंट करके मैं बता सकते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है। ये देख सकते हैं ये गूगल भी यहाँ पे उल्टा दिख रहा है। तो ये गूगल का फनी ट्रिक्स है और इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम आपको गूगल का तीसरा फनी ट्रिक्स बताते हैं। तो हम तीसरा फनी ट्रिक्स जैसे ही सर्च करेंगे गूगल ग्रेविटी, चलिए हम सर्च कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल GLE गूगल ग्रेविटी। देखिए यहाँ सबसे ऊपर में आ गया है और मैं इसे यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। और गूगल ग्रेविटी सर्च करते ही देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में जो ये लाइन दिख रहा है सबसे ऊपर वाले को हम यहाँ से सर्च करेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्च करने से क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये गूगल लिखा हुआ आया है, लेकिन यहाँ पे गूगल दिख रहा है और जैसे मैं इसको यहाँ से टच करूँगा ये देखिएगा टूट के नीचे चला जाएगा, ऊपर इधर उधर चला जाएगा। तो चलिए हम इसे टच करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये टूट के नीचे गिर गया, आप देख सकते हैं ये देखिए ये टूट के पूरा नीचे गिर गया है गूगल। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी तो शायद आप जान ही चुके हैं। अगर इसके बारे में आपको पता है तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये जितना भी है नीचे पूरा आ जाता है, आप यहाँ से सर्च होता है नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नीचे टूट के आया हुआ यहाँ पे प्ले लिखा हुआ, अगर हम इस पर सर्च करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, प्ले स्टोर खुल जाएगा। इस तरह से इसके जो ये नीचे वाला जितना भी आया है ये नीचे आ जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको गूगल का चौथा फनी ट्रिक्स बताते हैं और इसके लिए यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल 1998। तो चलिए हम यहाँ पर सर्च कर देते हैं गूगल 1998। और यहाँ पे जैसे ही गूगल 1998 आया मैं इसे यहाँ पे सर्च कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों जो सबसे ऊपर में पहला लिंक है हम इसे यहाँ से क्लिक कर देते हैं, और इसे क्लिक करने से क्या होगा आप देख सकते हैं जो 1998 में गूगल किस टाइप का इंटरफेस देता था। जब गूगल 1998 में ऐसा आया था जब सर्च इंजन था तो उसका इंटरफेस ऐसा ही कुछ था। तो आप देख सकते हैं 1998 में गूगल इस तरह से खुलता था, और जब आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे तो जैसे 1998 में खुलता था
आज भी वैसा ही खुलेगा, जैसे यहाँ पे कुछ भी आप सर्च करेंगे तो उसी तरह से यहाँ पे खुलेगा, आप देख सकते हैं तब भी ऐसा ही खुलता था। दोस्तों गूगल का पांचवा फनी ट्रिक्स है, हम यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल अंडर वाटर, तो देखिए सबसे ऊपर में गूगल अंडर वाटर लिखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करते ही जो सबसे ऊपर का वेबसाइट है हम इसे यहाँ से क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोर फिश प्लीज़, तो आप यहाँ से इसे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करते ही देखिए ये जो गूगल है हमारा पानी में चला गया, मतलब पानी में तैर रहा, आप देख सकते हैं ये क्यों होता है कैसे होता है ये भी हमें नहीं पता, ये केवल फनी ट्रिक्स है जो देखने में अच्छा लगता है और आपका टाइम पास करता है। तो आपको इसमें से कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही यूजफुल ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।